श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आतंकवाद खत्म करो, खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो, खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो, खत्म करो इस्लामी जिहाद, खत्म करो, बंद करो इस्लामी जिहाद, बंद करो, बंद करो आतंकवाद, खत्म करो, खत्म करो आतंकवाद, खत्म करो, खत्म करो इस्लामी जिहाद, बंद करो, बंद करो इस्लामी जिहाद, बंद करो, बंद करो। जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी। हिंदुस्तान के अंदर आज हम लोग जो ये आए दिन एक विचारधारा जो डेवलप हो रही है ये हमारे लिए कोई नई नहीं है। देश का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, जो लोग अपने हिस्सा लेकर के चले गए और जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों से जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक इस्लामी जिहाद के नाम पर और कोई ये कहे कि कोई भटका हुआ नौजवान है और कोई ये कहे कि कोई गुमराह हुआ नौजवान है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा अमीर लोग, सबसे ज्यादा काबिल लोग कश्मीर के अंदर आज दिन के वार्ता करते हैं। इसको हम लोग कोई मूवमेंट नहीं कह सकते, ये एक जिहादी मान सकते हैं, ये एक कट्टरवाद मान सकते हैं जो हम कई 100 सालों से देख रहे हैं, औरंगजेब के समय से लेकर के और आज तक हम लोगों ने इसको रोका है। ये लोग जहां पर तालिबानी राज चाहते हैं आज हिंदुओं को सिखों को वहां से चुन चुन कर बाहर निकालना ये उसी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वहां पर इस्लामिक राज हो, वहां दारुल इस्लाम हो, लेकिन वो हम बनने नहीं देंगे। आज जिस प्रकार से जो बच्चा यहां का जम्मू का जो हमारा भाई जो नौकरी करने जाता है, जो वहां पर कश्मीरी पंडित जाकर के अपने घर बसाने की कोशिश करता है उनकी जमीनें पहले हड़प ली है लोगों ने, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग वहां जाने की इच्छा रखते हैं और सरकार इसमें कटिबद्ध है और जो वहां पर हिंदू सिख कोई भी हो जो वहां पर जाने की रहने की इच्छा रखता है उसको ये लोग चुन चुन कर मारते हैं, ये जिहादी मान सकते हैं, ये दारुल इस्लाम की मान सकते हैं, ये दारुल हर्ब की मान सकते हैं। इसलिए इसको कुचलने के लिए जम्मू कश्मीर का क्या हिंदुस्तान का हर एक नौजवान अभी इसको सहन नहीं करेगा। अगर जिस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर जम्मू के लोगों को हिंदुओं को सिखों को वहां नहीं रहने देते हैं, एक बात मैं किसी हिंदू पार्टी से कह देना चाहता हूँ कि और यही इन्होंने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो आज कश्मीर के अंदर से लोग उठ करके और जम्मू के अंदर बड़ी बड़ी कोठियां बना करके रह रहे हैं। बता देना चाहते हैं कि ये कोठियां किसकी होंगी, ये समय बताने वाला है। अभी नौजवान जाग चुका है, तुम लोगों को जहां सेक्टर के अंदर नौकरी नहीं करने देंगे, तुम लोगों को इन कोठियों के अंदर नहीं रहने देंगे। ये विश्व हिंदू परिषद अब जाग चुका है, जम्मू कश्मीर का नौजवान जाग चुका है, ये जम्मू के लोगों की मानसिकता बन चुकी है। अगर हमारे बच्चे हमारे भाई बहन नौकरी करने नहीं जा सकते तो तुम लोग भी जहां आकर के सेक्टर के नौकरी नहीं कर सकते, यहां कोठियों के अंदर नहीं जा सकते, ये विश्व हिंदू परिषद का आज से ऐलान है। इसलिए
अब मैं फैमिली साथ ही ये एक अपील करना चाहूंगा कि ये गली नालियां ये कॉलेज ये बनाना ये दूसरी बात है। हम लोग बिना विकास के रह लेंगे, लेकिन सबसे पहले इन आतंकवादियों को कुछ लिए। आतंकवादी वो नहीं है जो गन उठाकर के घूम रहा है, वो आतंकवादी जिसे और ग्राउंड वर्कर कहते हैं, जो यहाँ पर ऊपर बैठ करके और इनकी एक्टिविटीज को जस्टिफाई करता है, इनके कारनामों को जो सही ठहराता है, उसको एकदम से कुचलना होगा। जम्मू कश्मीर का देशभक्त, हिंदुस्तान का सारा देशभक्त समाज आपके साथ है। दोनों साहब, ये विकास की भावना को पीछे रखिए और कुचलने वाली भावना इन आतंकवादियों को देशद्रोहियों को पहले नंबर पर रखिए। ये समाज आपके साथ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतिहास बंद करो, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर तो वैसे ही एक नसूर बना हुआ है इस राष्ट्र के लिए और राष्ट्रभक्तों के लिए, लेकिन पिछले दिनों जो लगातार किलिंग्स हो रही हैं, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई किसी किस्म के प्रोटेस्ट नहीं है, ये कट्टरवाद है, इस्लामिक जिहाद है। और जिस प्रकार से हिंदू वहां पर कश्मीरी पंडित हो सिख हो वहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं और जिस प्रकार से उनको वहां मारा जाता है, ये लोग एक ध्यान कर लें कि आने वाले दिनों में सेक्रेटरिएट के अंदर, जम्मू के अंदर भी जो कश्मीर से आकर के रहेगा उसको इसी प्रकार से जवाब मिलने वाला है, क्योंकि जिहादी मानसिकता का यही जवाब होगा। जम्मू का देशभक्त जाग चुका है और अब गवर्नर साहब की अपील है कि ये विकास, ये डेवलपमेंट, ये जो भी है, इसको दूसरे नंबर पर रखिए। हम लोग बिना विकास के रह लेंगे, लेकिन हमारे भाई वहां पर मारे जाएं ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इनको कुचलना होगा। जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनके जो सहानुभूति रखने वाले हैं, उनको भी सख्ती से कुचला जाए। ये हम लोगों की डिमांड है। भारत माता की जय।